सो वेलकम बैक टू द अर्न इंडिया अर्न यूट्यूब चैनल दोस्तों। दोस्तों मुझे लगता है कि अब तक की वीडियोस को देख करके आप एंजॉय कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया होगा। दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपको अब तक कोई भी क्लिक बेट कॉन्टेंट आपको देखने को नहीं मिला होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको पता ही होगा। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हो तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखना, उसके बाद कुछ और वीडियोस भी देखना, उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं आपको कोई वैल्यू दे पा रहा हूं तब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, तब भी मुझे भी कुछ यहां से वैल्यू मिल पाए। तो दोस्तों जैसा जेन्युइन कंटेंट मैंने आपको अब तक दिया है वैसा ही कंटेंट आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको दूंगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी एक YouTube चैनल बना सकते हो और उसमें एनिमेटेड वीडियोस आप उसमें डाल सकते हो, यानी कि एनिमेटेड वीडियोस बना करके जैसे आप छोटा भीम देखते हो, जितने भी कार्टून्स वगैरह देखते हो ना वो एनिमेटेड वीडियोस होती हैं। तो दोस्तों आप अपना एक चैनल इस तरह का बना सकते हो और उसके अंदर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। डेली के दोस्तों 2 या 3 घंटे आपको लग सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि जब आप सीखोगे तो उसमें हो सकता है ज़्यादा भी लग जाए टाइम, लेकिन जब आप एक बार सीख लोगे ना तो उसके बाद दोस्तों आपको मुश्किल से 1 या 1.5 घंटा लगेगा डेली आपको एक एपिसोड बनाने के लिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अगर आप 50,000-60,000 रुपये 1,00,000 रुपये तक अगर आप इजीली कमाना चाहते हो ना, लेकिन अभी नहीं 2-3 महीने के बाद, 2-3 महीने आपको लग जाएंगे 4,000 जो वॉच टाइम होता है 4,000 घंटे का वो पूरा करने के अंदर। हालांकि 2-3 महीने ज़्यादा नहीं होते दोस्त, असल में दोस्तों ये जो बच्चों से रिलेटेड चैनल्स होते हैं ना इनके अंदर बहुत ही जल्दी वॉच टाइम कंप्लीट होता है और सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होते हैं, क्योंकि बच्चे बार बार उन्हीं वीडियोज़ को देखते रहते हैं जो उनको पसंद आती है और साथ में उनको सब्सक्राइब करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दोस्तों आपकी अर्निंग मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने के अंदर आपकी जरूर शुरू हो जाएगी और मैं खुद भी ये चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है और इसमें टाइम भी इतना नहीं देना पड़ता है। तो दोस्तों आज की वीडियो किन स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होगी वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन दिखाऊंगा जिसके जरिए आप अपनी एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं। उसके अंदर आपको कैरेक्टर को कैसे लाना है, कैसे उसको मूव करवाना है, कैरेक्टर से रिलेटेड जितने भी पार्ट हैं वो मैं आपको सारे समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर। सेकंड जो रहेगा दोस्तों वो बैकग्राउंड रहेगा, यानी कि बैकग्राउंड के अंदर आप अपना खुद का बैकग्राउंड कैसे लगा सकते हैं, जो एप्लीकेशन आपको बैकग्राउंड देती है वो आप कैसे यूज कर सकते हैं। तीसरा जो होगा दोस्तों वो होगा कि वीडियो को आप रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं और साथ में आप उसको एडिट कैसे कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट के अंदर दोस्तों मैं बताऊंगा कि यूट्यूब पर आपको इन वीडियोस को कैसे अपलोड करना है, उसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन टैग्स वगैरह थंबनेल्स वगैरह आपको कैसे बनाने हैं, यानी कि पूरा कंप्लीट कोर्स रहने वाला है। अगर आपको कोई एनिमेटेड वीडियो से रिलेटेड कोई चैनल बनाना है तो उससे रिलेटेड फुल कोर्स आपको मिलने वाला है इस चैनल पर। और एक गुड न्यूज मैं और आपको देना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो पूरा कोर्स होगा ना ये मोबाइल पर आपको सिखाया जाएगा, यानी कि मोबाइल की स्क्रीन पर ही आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम लोगों के पास सिर्फ मोबाइल ही होता है और पीसी या फिर आप लैपटॉप वगैरह देखिए तो बहुत ही कम लोगों के पास रहता है। लेकिन दोस्तों इस तरह का चैनल बनाने के लिए एक पीसी की लैपटॉप की किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आपके पास मोबाइल होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और उसके बाद आप अपना चैनल बना सकते हो दोस्तों, और काफ़ी आसान रहने वाला है ये कोर्स। और मुझे लगता है कि अगर आपकी अर्निंग यहाँ से शुरू हो पाई तो दोस्तों सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। तो हम जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं जल्दी से स्क्रीन पर। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच पाए, और नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस करना ताकि उन वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच पाए। और साथ में दोस्तों इन वीडियो को शेयर जरूर करना अपने किसी फ्रेंड के साथ या ग्रुप्स के अंदर, और हो सकता है दोस्तों कि आपके इन वीडियोस को शेयर करने से वो भी अपना चैनल बना लें और उसके बाद उनके घर में भी पैसा आना शुरू हो जाए और उनकी भी अर्निंग शुरू हो जाए। तो दोस्तों हम चलते हैं स्क्रीन पर और आगे का प्रोसेस हम कंप्लीटली समझते हैं। दोस्तों जिस तरह की वीडियोस मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं बना करके, उससे रिलेटेड मैंने एक YouTube चैनल आपको दिखाने के लिए निकाला YouTube पर। देखिए दोस्तों आप देख सकते हो कि 104 वीडियोस इसने अपलोड की है और 1,42,000 इसके सब्सक्राइबर हो चुके हैं ऑलरेडी। अब आप देखिए दोस्तों कि 1 दिन पहले इसने ये वीडियो अपलोड की है और इसके 2,27,000 व्यूज़ हैं। 9 दिन पहले अपलोड की है और इसके 5,65,000 व्यूज़ हैं। दोस्तों ये कंटिन्यूसली अगर डाल लेना इन वीडियोज़ को तो मुझे लगता है कि ये 10-10 दिन में एक वीडियो डाल रहा है, इसलिए शायद इसका चैनल इतना ग्रो नहीं किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप डेली मेहनत करके एक वीडियो डाल दोगे ना दोस्तों तो मुझे लगता है दोस्तों कि आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए ना इतने इतने दिन में एक वीडियो डाल रही है फिर भी उसके बाद भी इसके लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं, और क्या लगता है आपको ये कम से कम दोस्तों 1.5 से 2 लाख रुपये या 2.5 लाख रुपये तक भी कमाता होगा सिर्फ एडसेंस से। और ये आप देख सकते हो कि कब बना होगा ये चैनल, ये देखिए दोस्तों 16 जून 2021 को बनाया। असल में तो वीडियो ही नहीं डाली इसने, वीडियो आप देखिए 104 वीडियोज़ है और उसके अंदर भी कुछ शॉर्ट वीडियोज़ है इसके अंदर। देखिए
अगर मैं आपको इसकी वीडियो की पॉपुलर वीडियो दिखाऊं तो 7 मिलियन व्यूज मिले इसको सबसे ज़्यादा, उसके बाद 5 मिलियन, 2 मिलियन व्यूज, ये 2 मिलियन, यहाँ पर भी 1.5 मिलियन। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का चैनल बनता है ये, और बहुत ही ज़बरदस्त आपको मज़ा आने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखना पूरी, और उसके बाद आप इसको आज से ही ट्राई करना, क्योंकि मैं खुद भी ट्राई करूँगा दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया इस तरह का चैनल मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी लग रहा है दोस्तों कि इस चैनल से आसानी से पैसा कमाया जा सकता है, और शायद इसमें मुश्किल से 2 या 3 घंटे ही लगेंगे मुझे भी कोई भी 10 या 15 मिनट का कोई एपिसोड बनाने के लिए। अगर आप चाहो तो दोस्तों आप परमानेंटली कुछ कैरेक्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हो इसके अंदर, और उसके बाद अपना कुछ शो बना सकते हो। जैसे ये छोटा भीम चलता है ना, जितने भी कार्टून चलते हैं, तो उस तरह का कोई अपना शो बना सकते हो आप यहाँ पर, जिसको अगर बच्चों को पसंद आने लग गया तो दोस्तों आप पूछो मत के कितनी बड़ी चीज़ है ये, इतने मतलब ज़बरदस्त पैसा आना शुरू होगा। बल्कि हो सकता है कि कल को टीवी भी अप्रोच करे आपसे कोई भी चैनल वगैरह, और उसके बाद मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इसमें रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है दोस्तों, एक बार आपकी शुरुआत करने की देर है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ही लोगे, ठीक है। तो वो प्रोसीजर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन है क्या। ये एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों क्रोमा टूल्स, ठीक है। आप इसको यहाँ से प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से क्रोमा टूल्स करके, ठीक है। उसके बाद आप इसको सीधा डायरेक्टली ओपन करोगे, ये देखिए सेकंड ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्रोमा टूल्स करके। तो दोस्तों जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको क्लिक करना है लेट्स स्टार्ट पर। अब इसके बाद आपको यहाँ पर रिकॉर्ड टाइप 1 और टाइप 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो जब आप इसको रिकॉर्ड करोगे ना तो आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी आपके मोबाइल के अंदर, तो आप इसको टाइप 2 करके फिर से दोबारा आपको स्टार्ट करना होगा। तो हम इसको अभी के लिए टाइप 1 रहने देते हैं, और उसके बाद यहाँ से ओके करते हैं। तो अगर सब कुछ प्रॉपर चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर टाइप 1 में नहीं चलेगा आपका मोबाइल में ये एप्लीकेशन तो टाइप 2 में आप चला सकते हैं। तो उसके बाद अब दोस्तों आप देख सकते हो कि आपके सामने 4 कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। इन 4 कैरेक्टर को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो कुछ ये ऑप्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं ना यहाँ पर, इनको एक बार समझना ज़रूरी है। तो एक बार इनको हम समझ लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों ये जो लेफ्ट साइड के अंदर आपको ये जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, ये है कैरेक्टर के लिए, यानी कि 4 कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हो इस एप्लीकेशन के अंदर। और इस एप्लीकेशन के अंदर आप देख सकते हो कि ये सारे कैरेक्टर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, यहाँ पर कोई पैसा आपको नहीं देना है। आप देख सकते हो कि ये लेडी का कैरेक्टर है इसके अंदर, और सासू माँ का है, देख सकते हो आप, इंडियन वाइफ है, लिटिल गर्ल, लिटिल बॉय, मैन, भी 3 तरह से हैं इसमें, तांत्रिक है, सेठ है जो गांव के अंदर होते हैं, विलेज मैन है, चुड़ैल है ना, पुलिस है। तो ये बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं यहाँ पर। एक ऑप्शन आप और देख सकते हो यहाँ पर, इम्पोर्ट कस्टम। तो दोस्तों इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना बता देता हूँ कि इसमें क्या है ना कि आप इनकी वेबसाइट से भी कुछ कैरेक्टर्स ले सकते हो, यहाँ पर आप उनको ऐड कर सकते हो, और खुद के भी कैरेक्टर्स आप जो खुद से बना सकते हो ना कैरेक्टर्स, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो उन कैरेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस है तो मैं उसको अलग से वीडियो में बताऊंगा आपको। अब इसके बाद आप देख पा रहे होंगे दोस्तों जो प्लस का साइन है ना सभी कैरेक्टर के साथ में, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो एनिमेट करोगे ना आप, जो एनिमेशन जो करोगे पूरा प्रोसीजर, वो यहाँ पर आपको बहुत सारी अलग अलग मूव्स आपको देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आपको कैरेक्टर को चलाना है, बात करवानी है उससे, या आपको चाय पिलानी है उसको, या किक मारवानी है उससे, है ना, वो सारे जो है मूव जो है वो यहाँ से करेगा। अब इसमें हमें क्या करना होता है दोस्तों, जब भी आप रिकॉर्ड करना शुरू करोगे ना तो उसमें सबसे पहले जो मूव 1 से लेकर मूव 6 है ना, इन सब के अंदर आपको सिलेक्ट कर लेना है आइडल, इन सब को आपको आइडल सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, ये देखिए ऐसे। उसके बाद जो आपका कैरेक्टर है ना वो आपको पता नहीं, कई बार ऐसा होता है कि ये अपने आप से, जैसे आपसे गलती से कुछ क्लिक हो गया तो ये इसमें जो भी मूव के अंदर आपने सिलेक्ट कर रखा होगा ना वो वाली एक्टिविटी करना शुरू कर देगा आपकी रिकॉर्डिंग के समय। तो आप सबको जो है ना यहाँ पर आइडल सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, वो आपके लिए दी बेस्ट रहेगा। अब उसके बाद आप नीचे देख सकते हो साइज जो है, तो साइज के लिए आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, देखिए पीछे जो कैरेक्टर है वो चुड़ैल वाला कैरेक्टर जो है वो छोटा बड़ा हो रहा है इससे, ठीक है। और राइट साइड में जो एक फ्लिप का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, इससे क्या है कि ये फ्लिप करेगा, यानी कि पीछे देखने लगेगा या फिर आगे देखने के लगेगा अगर इसको आप राइट क्लिक कर दोगे तो। अब लेफ्ट साइड में मैं आपको ये सेटिंग वाले ऑप्शन पर लेके जाता हूँ, तो सेटिंग वाले ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हो राइट साइड के अंदर यहाँ पर पार्टिकल इफेक्ट्स करके लिखा है,
तो यहाँ पर आप इसको ये इसको सिलेक्ट कर सकते हो, फायर फ्लाइज को सिलेक्ट करोगे तो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर इसका इफेक्ट। अब या फिर आपको स्नो करना है तो स्नो देख सकते हो आप, स्नो भी गिर सकती है। उसके बाद यहाँ पर आप रेन भी करवा सकते हो, वाटर बबल्स है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको पानी के अंदर कुछ शूट करना है तो आप बैकग्राउंड में उस तरह का बैकग्राउंड लगा सकते हो पानी का या कुछ ऐसे मछलियों का, और यहाँ पर बबल्स आपको ये इफेक्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर स्मोक का भी आप देख सकते हो, तो इस तरह से आपको काफी इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। अभी के लिए हम नन कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो इम्पोर्ट कस्टम एनिमेशन, यानी कि आप खुद के एनिमेशन को भी यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हो। ये भी आपको मैं एडवांस वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा जो नेक्स्ट वीडियो होगी। तो अभी हम बेसिक सीख रहे हैं सारा, जिससे आप वीडियो बनाना स्टार्ट कर सको, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग में सारा आपको बता दूंगा तो उसमें दोस्त काफी हैवी हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी आप सिर्फ एक वीडियो बना लो, सिर्फ इतना मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल तक आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी, कल तक आप इसकी प्रैक्टिस करना, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो की प्रैक्टिस करनी है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते होंगे कि यूज एक्सटर्नल स्क्रीन रिकॉर्डर, यानी आप एक्सटर्नल स्क्रीन रिकॉर्डर भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पर। जरूरी नहीं कि आप इन्हीं का जो रिकॉर्डिंग है उसको यूज करो, ठीक है। उसके बाद हम इसको ओके कर लेते हैं यहाँ से। अब सेटिंग के लिए भी हमने सारे ऑप्शन को समझ लिया है। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है हमारे सामने यहाँ पे SP करके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कोई कैरेक्टर यहाँ पर ऐड करना चाहते हो, जैसे कि मैंने वहाँ पर दिखाया था कि कोई कैरेक्टर ऐड करना है, इनकी वेबसाइट से ऐड करना है तो ऐड हो जाएगा वहाँ से भी, या फिर आप अपने खुद के कैरेक्टर्स को यहाँ पर अपलोड करना चाहते हो, मतलब इम्पोर्ट करना चाहते हो, तो वो भी हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको बने बनाए कैरेक्टर्स चाहिए ना तो मैं आपको दे सकता हूँ, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और साथ में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप फॉलो कर लीजिए, ताकि आप मुझसे कुछ कैरेक्टर्स जो बने हुए हैं मेरे पास ऑलरेडी वो आपको मिल सके। तो यहाँ से हमने देख लिया है कि कैसे कैरेक्टर्स को हमें यहाँ पर ऐड करना है दोस्तों। बीच बीच में कुछ एड्स आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उनको आपको देखना ही पड़ेगा। कुछ सेकंड ऑप्शन हमारे पास इसमें है नहीं, क्योंकि उसी से इस एप्लीकेशन की कमाई होती है। तो हमने SP का जो ऑप्शन है यहाँ पर उसको भी देख लिया है। अब इसके बाद हम राइट साइड में आते हैं, राइट कॉर्नर में आते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ हमें टूल्स दिए हैं, यानी कि पर्स है, नाइफ है, AK-47 हैंडगम, यानी कि ये सारे कुछ टूल्स है जो कि आप इनके हाथ में दे सकते हो, हाथ में रख सकते हो इनके, ठीक है। जैसे नाइफ है, हमने ये नाइफ रख लिया, तो ये देखिए इसके हाथ में ये नाइफ आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ टूल्स को यूज कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये जूम इन जूम आउट करने के लिए दोस्तों, इसका हम यूज करेंगे नहीं, हालांकि ये देख सकते हो आप इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो, लेकिन इसका यूज करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम एडिट करते टाइम भी कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हो बैकग्राउंड का, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बैकग्राउंड भी एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसका आप कैसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ बैकग्राउंड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिले हैं, 5 बैकग्राउंड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं और 2 बैकग्राउंड आपको ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन के जरिए मिले हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर मैक्सिमम टाइम आपको ग्रीन स्क्रीन वाला ही बैकग्राउंड यूज करना है, और जब आप एडिट करोगे ना वीडियो को तब आप अपना बैकग्राउंड यूज कर सकते हो, कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हो आप पीछे, और आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी उसके अंदर फिर, ठीक है। तो अभी के लिए हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड रख लेते हैं यहाँ पर कोई भी, ये सही लग रहा है। तो अब इसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों कि मूवेबल BGS फीचर, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि इसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों जो पीछे का बैकग्राउंड है ना वो एक रील की तरह चलता है, जैसे लेफ्ट टू राइट चलता है। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन आप देख सकते हो दोस्तों इंपोर्ट बैकग्राउंड, यानी कि इंपोर्ट भी कर सकते हो आप बहुत सारे बैकग्राउंड्स। और उसके लिए आप यहाँ से देखिए गैलरी के अंदर जा सकते हो। अब गैलरी के अंदर आपको बैकग्राउंड कहाँ से मिलेंगे, तो उसके लिए मैं एक एप्लीकेशन आपको बता देता हूँ जिसका नाम है इमेज सर्च, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च करना है यहाँ पर इमेज सर्च, ठीक है। आप जैसा चाहो ना वैसे आपको मिल जाएंगे इस एप्लीकेशन के अंदर। तो ये इमेज सर्च इस तरह का आइकन आएगा इसका। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम सर्च करेंगे, मान लीजिए कार्टून बैकग्राउंड, ठीक है। HD भी लिख सकते हो आप इसके पीछे। तो आप देख सकते हो दोस्तों की कुछ यहाँ पर बैकग्राउंड आपको देखने को मिल गए हैं जो की बहुत ही जबरदस्त है, और HD क्वालिटी के अंदर भी आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो इन बैकग्राउंड को आप यूज कर सकते हो दोस्तों, और इनको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन है, और वहां से आपकी गैलरी में चले जाएंगे, और फिर आप इस एप्लीकेशन के अंदर भी यूज कर सकते हो इनको, ठीक है। वैसे हम इसको यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन के अंदर ही रखेंगे वैसे। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये है अनेबल फोरग्राउंड, यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पर जो कि आप उनको यूज कर सकते हो। आप देखिए यहाँ पर एक कार यहाँ पर आ गई है, ठीक है, और यहाँ पर आप इम्पोर्ट भी कर सकते हो कुछ और तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर कह सकते हो आप इनको, तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो अभी के लिए हम इसको अनेबल फोरग्राउंड को
इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब आप बैकग्राउंड भी समझ चुके होंगे दोस्तों। अब आपके सामने लेफ्ट साइड के अंदर ही एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा आई के करके। तो आई के करके ये जो ऑप्शन है ना, इसके जरिए आप क्या कर सकते हो कि जो आपकी इनकी जो एक्टिविटी है ना, ये जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनके, इसके जरिए आप अपनी मर्जी से इनकी एक्टिविटी करवा सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे ये चाकू जो है इसके जरिए चलवाना है इससे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि मैं इसके हैंड को, ये जो ग्रीन बॉक्स है ना ये वाला, इसको यहाँ से ऐसे करूँगा और यहाँ पर मैं जो प्लस का आइकन आपको देखने को मिल रहा होगा राइट साइड के अंदर, और यहाँ से मैं इसको पहला शॉट ले लूँगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं इसको यहाँ पर नीचे करूँगा वापस, उसके बाद एक और प्लस का, एक बार फिर से मैं प्लस को प्रेस कर दूंगा, ये जो प्लस वाला आपको आइकन दिख रहा होगा ना राइट साइड के अंदर, इसको। तो उसके बाद अगर मुझे कुछ और करना है तो मैं इसके हैंड से, पैर से, ठीक है, जो भी मुझे करना है वो मैं कर सकता हूँ एक्टिविटी। अब मुझे इसको मान लीजिए यहाँ से यहाँ लेके जाना है तो मैं ये भी एक्टिविटी कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको अगर लेटाना चाहता हूँ, भाई मैंने लेटा दिया इसको, तो मतलब कि जैसा चाहे ना आप इसको, ये शॉट लेने आपको यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए जो मैंने अभी करके दिखाया वो एक साथ इसने चार शॉट लिए और चार शॉट के अंदर आपको करके दिखा दिया। अब आपको क्या कर सकते हो दोस्तों, अब आई के को आप फिर से प्रेस करोगे तो वो सारे ऑप्शन चले जाएंगे यहाँ से। अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको मान लीजिए कि आपको स्टोरी बनानी है, ठीक है, आपने वो स्टोरी पूरी की पूरी या तो चैट जीपीटी से लिखवा ली, या किसी बच्चे के बुक से उठा ली, बच्चे की बुक से उठा ली, या फिर आपने खुद से लिख ली कि भाई ये स्टोरी है, ये स्क्रिप्ट है, ये किरदार यहाँ पर ऐसा बोलेगा, ये ऐसा बोलेगा। ठीक है, तो उस तरह की जो वो बोलेंगे ना, उस तरह की आपको एक एक शॉट करके आपको यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेने हैं। और मान लीजिए मैं ये दो जो है ना, इनको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो है यहाँ पे इसको नन करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो कैरेक्टर वाला साइन था ना, जो सेकंड वाला, इसको यहाँ से नन करना पड़ेगा, और उसके बाद मैं इसको भी यहाँ से नन कर दूंगा तो दो कैरेक्टर रह जाएंगे मेरे। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर दो कैरेक्टर्स हैं। अब मुझे क्या करना होगा कि इसको यहाँ पर फ्लिप करना होगा ताकि ये इसकी तरफ देखने लग जाए। ठीक है, यहाँ से फ्लिप कर दिया इसको। अब ये कैरेक्टर इसके पास चल के जाएगा और उसके बाद इससे कुछ बातें करेगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यही होता है जो बाकी तो सारी जो एक्टिविटी है इसके अंदर दे ही रखी है कि भाई आपको बैठाना है, चाय पिलानी है, बात करवानी है या कुछ और करवाना है। ठीक है, तो बस चलना ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, बाकी आप जब खुद से सीखोगे, खुद से दो चार वीडियोज बना लोगे तो आपको खुद भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसमें। तो दोस्तों हम इसको चलाएंगे कैसे, अब वो हमें देखना है। ठीक है, तो हमने जो पहले चार एक्टिविटी की थी ना, चार शॉट लिए थे, तो उसको हम माइनस कर लेंगे नीचे से यहाँ से। जब इसको आप माइनस कर लोगे तो उसके बाद जो चार जो एक्टिविटी थी ना वो कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से शॉट लेने हैं। अब ये जो लड़की है यहाँ पर, ये जो राइट साइड में जो लड़की खड़ी है, इसके यहाँ पर प्लस का आइकन को हम प्रेस करेंगे और जो जितने भी यहाँ पर हमें ये मूव्स दिख रहे हैं इन सबको हम आइडल के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए मूव के अंदर हमने सभी के अंदर आइडल सेलेक्ट कर लिया है और दोनों के लिए हमें करना है। ठीक है, जितने भी आप इसमें यूज करोगे ना, साइज हमें ये रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे भी आपकी स्टोरी होगी उसके अकॉर्डिंग आप कैरेक्टर और उसके साइज को ले सकते हो। अब देखिए इसको हमें चलाना है सबसे पहले यहाँ से, तो इसको हम प्लस को करेंगे और डिफॉल्ट मूव के अंदर हम इसको वॉकिंग के अंदर जो भी ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा होगा वो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए वॉक को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसने चलना शुरू कर दिया है। अब इसको चलाना कैसे है यहाँ से, तो सबसे पहले हमें इस प्लस के आइकन को प्रेस करना है, उसके बाद हमें इसको थोड़ा सा आगे करना है, जो इसके नीचे मूव का ऑप्शन हमें दिख रहा है ना येलो कलर के अंदर, उसको हमें यहाँ पर आगे कर देना है उससे। फिर से हमें दूसरा शॉट लेना है, उसके बाद तीसरा शॉट लेना है हमें थोड़ा और आगे करके, उसके बाद चौथा शॉट लेना है यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पर पहुँच जाती है। अब इसको हमें कैसे रिकॉर्ड करना होगा कि इसको रिकॉर्ड वाले ऑप्शन को प्रेस करना है। अगर आप इसको देखना चाहते हो पहले कि आपने कैसे किया है, ये पांच शॉट्स आपको दिखा भी देगा, जो लेफ्ट साइड के अंदर जो कॉर्नर के अंदर ऑप्शन में दिख रहा है आपको प्ले वाला, उसको आप क्लिक करोगे तो देखिए आपको ये ऐसे दिखेगा कि ऐसा एनिमेशन हुआ है अभी। ठीक है, अगर आपको इसको रिकॉर्ड करना है दोस्तों तो आपको रिकॉर्ड वाले बटन पर प्रेस करना होगा, उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा। अभी मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा तो मेरी जो वीडियो है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, वो बंद हो जाएगी,
एक बार मैं ऐसे रिकॉर्ड कर चुका हूँ इस वीडियो को, और गलती से मैंने ये रिकॉर्ड कर दिया था, उसके बाद मेरी आगे की रिकॉर्डिंग सारी कट हो गई, तो मैं फिर से कर रहा हूँ ये। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ तक आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी और वो वीडियो आपकी गैलरी के अंदर चली जाएगी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस के आइकन पर जाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट, मान लीजिए ये लड़की इस लड़की को बोल रही है, कुछ भी ऐसी बोल रही है, कुछ टॉक कर रही है कुछ भी, ठीक है। तो टॉकिंग के लिए जो भी कुछ आपको देखने को मिल रहा है, मान लो टॉक वन या टॉक टू, जो भी एक्शंस यहाँ पर दिखाएगी। अब दोस्तों आप अपनी वॉइस कैसे दे सकते हो इसके अंदर, आप ये जो रिकॉर्डिंग का वाला बटन है ना, इसको आप प्रेस करोगे और यहाँ से रिकॉर्डिंग को प्रेस करके ये लड़की ऐसे ही बोलेगी और आपको बोलना है वो बात जो आप यहाँ से इससे बुलवाना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद वॉइस भी चेंज हो जाती है, यानी कि अगर लड़की की आवाज़ है तो लड़की की आवाज़ आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी आप जब एडिट करोगे वीडियो को तब, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस तरह से फिर इसको जो रिकॉर्ड हो जाएगी आपकी वीडियो, उसको फिर आपको बाहर कैसे लेना है उसको, यानी कि एक्सपोर्ट कैसे करना है, जो आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना सिनेमा, ये सॉरी क्रोमा टून्स, तो इसको आप जब प्रेस कर दोगे ना तो आपकी जो वीडियो है वो सेव हो जाएगी, ठीक है, आपकी गैलरी में चली जाएगी। इस तरह से आपको एक 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 करके शॉट लेने हैं, 10-15-20-30 जितने भी शॉट्स आपके बनेंगे वो सारे आपके 15-20 में आधा घंटे के अंदर आपको कंप्लीट हो जाएंगे। मैक्सिमम शुरू में मान लीजिए आपको टाइम लगेगा, लेकिन बाद में आपको इतना ही टाइम 15-20 मिनट आधा घंटा, तो आपकी पूरी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद आपको जाना फिर एडिटर के अंदर, ठीक है, वीडियो एडिटर के अंदर। अब वीडियो एडिटर के अंदर आपको कितने ऑप्शंस आपके सामने हैं होंगे तो वो मैं आपको बता देता हूं। आप फिल्मोरा पर भी जा सकते हो, ये देख सकते हो आप, ये वाला जो एप्लीकेशन है फिल्मोरा, इसके अंदर भी आप एडिट कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है इनशॉट, ठीक है, इनशॉट ये वाली एप्लीकेशन है, इसके अंदर भी आप एडिट कर सकते हो अपनी वीडियो को। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है दोस्तों पावर डायरेक्टर, ठीक है, पावर डायरेक्टर के अंदर भी आप अपनी वीडियो को यहाँ पर एडिट कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों इन तीनों वीडियो एडिटर्स के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कुछ चीज़ें जो मैंने अभी छोड़ दी है, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और ये जो बेसिक जानकारी जो जितनी थी वो मैं दे चुका हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वीडियो को एडिट करके दिखाऊंगा इसको, और साथ में जो मैंने वहाँ पर बताया और जो मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी यहाँ पर, कि आप यहाँ पर इम्पोर्ट कैसे कर सकते हो कैरेक्टर्स को और वो कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे कैसे, तो दोस्तों वो सारा मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने सिखाया है, और मेरा विश्वास कीजिए दोस्तों कि इसके अंदर आप 50,000 से 1,00,000 रुपए सिर्फ एडसेंस से ही पैसा कमा सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। सिर्फ जो यूट्यूब पर एड्स वगैरह चलेंगे ना उसके अंदर ही आप इतने पैसे कमा सकते हो ईजिली। तो दोस्तों और मैक्सिमम आपको 2 से 3 महीने ही लगेंगे, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, बहुत जल्दी व्यूज़ इसमें आते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे या फिर मतलब मान लीजिए कि 10-12 साल तक के बच्चे इस स्टोरीज को देखते हैं मैक्सिमम, और वो जो उनको स्टोरी अच्छी लगती है ना वो बार बार देखते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, और वो उस टाइम भी आपको बहुत जल्दी पूरा हो जाता है 4,000 जो वो उस टाइम होता है 4,000 आवर्स का। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अगर आपको अच्छी लगी है तो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरा भी मोटिवेशन बनता रहे और आपके लिए मैं इसी तरह की वीडियोस लेके आता रहूं जिससे आप पैसा कमा सको ऑनलाइन और कुछ अर्निंग कर सको। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम मिलेंगे, और कोशिश करूंगा मैं कि कल तक इस वीडियो को अपलोड कर दूं जो इसका नेक्स्ट पार्ट है। तो दोस्तों गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।